आगा हसन और जमाल टाकू। हमें सिर्फ एक ही बात कहनी है, मुसलमानों से बिलमूम और पाकिस्तानी से बिलखसूस। जब देखो फेसबुक पे, दूसरे चैनल्स पे, हर तरफ ये लोग फनेटिक की हद तक मज़हब की बात करते हैं कि जी दुनिया में सिर्फ तीन ही चीज़ें चाहिए, रसूल से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत। कौन कहता है कि ये चीज़ गलत है? सब जानते हैं ये चीज़ सही है, मगर उसको अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनियावी तरक्की में, उसको अपनी दुनियावी जो दुनियादारी है उसमें मज़हब को नहीं लाएं। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, यहाँ पे हम फ्रांस में हों, जर्मनी में हों, दुनिया के किसी कोने में हों, कोई शख्स पूरा दिन में हमारे यहाँ हर बात में अल्लाह करसी, अल्लाह ओ करसी, अल्लाह ऐसा करसी, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, ये इंशाल्लाह, हर चीज़ ये हर चीज़ में लोग शामिल करते हैं। जबकि यहाँ पर पूरा हफ्ता आप देखेंगे रज के काम करते हैं और सर धुन के काम करते हैं, कभी नहीं कहते गॉड या गॉड या ड्यू, नहीं वो नहीं, जीसस क्राइस्ट या जीसस या ये वो कोई नाम नहीं लेते, लेकिन यकीन करें इनके इनके एक्ट इंसानियत वाले हैं। अभी रसूल का नाम लेके और आप लोगों के चर्चों को धमाकों से उड़ा दें, या आप इंसानों को अपने इंसानों को कत्ल कर दें, या फिरकेबाजियों में कत्ल कर दें, या इमाम बारगाहों में धमाके करके बंदे को कत्ल कर दें, या सुनियों के मस्जिदों में करें, तो आप ऊपर से अल्लाह रसूल का नाम लें, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि सबको पता है कि अल्लाह है, सबको पता रसूल भी है, सबको पता मजहब पे अमल करना है, सबको पता नमाज पढ़नी है, रोज़ा भी रखना है, ठीक है ना। किसी का बाप बनने की कोशिश मत करो, तुम अपना अमल ठीक करो, ठीक है, और अपने अपने अमल से नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के उठो, अगर रोज़ा रख के नमाज पढ़ो उठो, जाके दुनिया का काम करो। यह नहीं है कि उसमें भी दुनियादारी ठोकी हुई है, ओ अल्लाह करसी, अल्लाह करसी, अल्लाह कुछ नहीं करती हर बात में, इंशाल्लाह, हाँ, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, कुछ तुम अपना काम करो, तुम नमाज दीन को एक तरफ रखो, हाँ, और दुनियादारी एक तरफ रखो। ये लोग यहाँ पे ऐसे ही है ना, यहाँ पे मजहब लदा है, तरक्की लदा है, हमारे मुल्क में मजहब और सियासत मिक्स कर। हम एक बात कहते हैं, पावर हमें मौका मिलेगा, मिलेगी, ये भी आप लोग याद रखें, उस वक्त जब किसी ने दुनियादारी को और मजहब को दुनियादारी पे इम्पोज करने की कोशिश की, उसको लटका देंगे, काट देंगे, काट के रख देंगे कि जो है मजहब अपने तक रखो, अपने जो बॉडी है ना उस तक रखो, उससे बाहर निकालने की कोशिश मत करो, जो निकालेगा, जो भी चीज निकालेगा उसको काट देंगे। जो हमारे दौर के अंदर जब भी हम आए, जिसने घर से बाहर और मस्जिद से बाहर मजहब की बात की, हम उसको काट देंगे, क्योंकि त्यौहार अपनी जगह, नमाजें अपनी जगह, रोजे इबादत अपनी जगह, दुनियादारी अपनी जगह, और ये जो गंदी सियासत है ये जो है इसके भी जड़ मुकाएंगे, और ये आगा हसन और जमाल टाकू करके रहेंगे, और जब भी आए हम करके रहेंगे, और ये करना है। और दूसरी बात ये है कि हमारा सेक्शन पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है फेसबुक के ऊपर, कौन कौन टू मच फनेटिसिज्म में इन्वॉल्व है, हाँ। उन सबको नोटिस किया जा रहा है, ये याद रखना हमारी बात को, जब हम आएंगे तो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो मजहब को टू मच थोप रहे हैं। हम जो हसन ने कहा है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं, और हमने उन लोगों तक पहुँच जाना है जो कि मजहब को क्या कहते हैं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम वहां पहुंचेंगे और उनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, मजहब एक तरफ, तरक्की एक तरफ, मजहब को घर में रखो, मस्जिद में रखो, त्यौहार तक रखो, बाकी तरक्की करो। और रहे जो एक आगा हसन की तरफ से और जमाल टाकू की तरफ से सियासतदानों को मैसेज आए और हुक्मरानों को एक मैसेज आए कि तुम लोग भी अपने नाड़े कस लो, क्योंकि जिस दिन जमाल टाकू और आगा हसन आएंगे, तुम दुनिया के किसी कोने में भी होगे, कहीं पे भी होगे, और कुछ कोई भी हो, जरदारी हो, कोई भी हो, किसी ताकत के हामिल हो, ये कसम से तुम लोगों को वहां पे ही कहना खत्म कर दिया तो मैं जमाल टाकू नहीं, आगा हसन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से 60 सालों में तुम ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस और हुक्मरानों की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, तुम लोग इसके जिम्मेवार हो। तुम लोग मर गए या भाग भी गए, हम तुम्हारी नस्लों को फॉलो करेंगे, हम तुम्हारी नस्लों को फॉलो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा वादा है, क्योंकि 22 करोड़ आवाम को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया है, साइकोपैथ बना दिया, साइकोपैथ बना दिया तुम लोगों ने, और तुम लोगों ने जान के जो है कौम को बर्बाद किया है हुकूमत करने के लिए। ये लोग वहां बैठ के कहते हैं ना, ओ कहां आएगा आगा हसन जमाल टाकू आएंगे, ये लफ्ज याद रखना, ये तुम्हारा ये तुम्हारे मीडिया के बाबे बैठे हुए दूसरे तीसरे जो समझते हैं ना,
ये उस दिन हम पूछेंगे जिस दिन तुम लोगों को सामने लेकर आएंगे और हमारी कट रही हो। और जिस दिन आखिरी बात इतनी सी है कि जिस जिसने मजहब को थोपा हुआ है उसका उसको हम दो मिनट में साबित करेंगे कि वो खुद सबसे बड़ा जलील आदमी है और उसको काट दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चाओ।